एक बार इस तरह से आलू गोभी कोफ्ता करी बना के तो देखिए, उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। एकदम टेस्टी सब्जी बनती है। आज हम अलग तरीके से एकदम टेस्टी गोभी कोफ्ता करी बनाएंगे। एक मीडियम साइज की गोभी हमने ली है, ये 300 से 350 ग्राम जितनी है। इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। गोभी को उबलते हुए पानी में डाल के 2 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे ताकि गोभी अच्छे से क्लीन हो जाए। पानी बॉईल होने लगा है, इसमें आधी चम्मच नमक डाल देंगे। गोभी अंदर डाल देंगे। 2 मिनट गोभी को पानी में उबाल लिया है, इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से 2 मिनट गर्म पानी में उबालने से गोभी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। गोभी को मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है ताकि अंदर का पानी है वो निकल जाए और इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब तक ठंडा कर लेते हैं। गोभी एकदम ठंडी हो गई है तो मैं इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लूंगी। इसे मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं। कद्दूकस भी नहीं करना है तो आप इसे मिक्सी में एकदम थोड़ा सा घुमा के ले सकते हैं। ज्यादा पेस्ट मत बना लीजिएगा अगर मिक्सी में करेंगे तो। एकदम थोड़ा सा मिक्सी को घुमा के इसे रफली कट कर सकते हैं। चॉप कर लेंगे इसे। गोभी को मैंने एक रुमाल में ले लिया है, इसका पानी हम निचोड़ के निकाल लेते हैं। गोभी का पानी निचोड़ के निकाल दिया है, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम ग्रेवी के अंदर डालेंगे। 50 ग्राम पनीर को कद्दूकस करके लिया है, ये डाल देंगे। पनीर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज का आलू लिया है, इसे हम कद्दूकस करके डालेंगे। कद्दूकस करके डालने से आलू जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा अंदर। एक छोटी साइज का प्याज बारीक चॉप करके लिया है, 2 टेबलस्पून हरा धनिया और 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके ली है, ये अंदर डाल देंगे। 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है, इसे थोड़ा हाथ से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। गोभी के कोफ्ते पे काली मिर्च पाउडर, अजवाइन और हींग डालने से ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी, नहीं तो गोभी कई लोगों को गैस कराती है, इसके लिए ये सब डालना जरूरी है। 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। बाइंडिंग के लिए इसमें हम बेसन डालेंगे। अभी मैंने इसमें 3 टेबलस्पून बेसन डाला है। नमक अभी हमने नहीं डाला है, नमक हम बाद में डालेंगे, जब इसे फ्राई करना है उसी टाइम पे नमक डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो हमने आलू और पनीर डाला है तो ज्यादा हमें बेसन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आलू और पनीर से भी बाइंडिंग आ जाता है। तेल भी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है तो इसमें हम नमक मिला लेते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते का मिश्रण आप टेस्ट करके जरूर देख लीजिए, अगर नमक कम है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दिया है तो इसका अभी हम कोफ्ता बना लेते हैं। हाथ के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि कोफ्ता का मिश्रण जो है वो हाथ में चिपके नहीं, और मीडियम साइज का कोफ्ता बनाएंगे। आपको छोटा या बड़ा जो भी साइज का बनाना है आप बना सकते हैं, मैं थोड़ा मीडियम साइज का बनाऊंगी। कोफ्ता का मिश्रण आपको अगर थोड़ा सा गीला लगे तो आप 1 टेबलस्पून बेसन ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 टेबलस्पून बेसन का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम कोफ्ता बना लेते हैं। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम कोफ्ता डाल के फ्राई कर लेते हैं। एक साथ में ज्यादा कोफ्ता नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो गोभी भी अंदर से पक जाएगी, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, इसके बाद इसे पलटना है।
तुरंत इसे चलाना नहीं है, नहीं तो कोफ्ता जो है वो टूट जाएगा। ये थोड़ा क्रिस्पी हो गया है तो हम इसे टर्न कर लेते हैं। धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट कोफ्ता को फ्राई किया है और एकदम अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से कोफ्ते के अंदर का तेल सारा निकाल लेना है। इस तरह से हम सारे कोफ्ते को फ्राई कर लेते हैं। पेस्ट बनाने के लिए 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 5 कली लहसुन की ली है। इसे मिक्सर जार में डाल के पेस्ट बना लेते हैं। प्याज, अदरक और लहसुन को मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है, इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। प्याज, अदरक, लहसुन की पेस्ट मैंने बना ली है। 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसके हम मिक्सर जार में डाल के प्यूरी बना लेंगे, ग्रेवी बनाएंगे। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है, 1 टेबलस्पून घी डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे। आप छोटा ले रहे हैं तो 2 डाल दीजिए और 1 स्टिक दालचीनी, 1 टीस्पून जीरा। जीरा को हम लाइट ब्राउन भून लेते हैं। जीरा लाइट ब्राउन हो गया है, प्याज, अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के प्याज, अदरक, लहसुन को हम भून लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के प्याज और अदरक लहसुन को भून लेते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। टमाटर की पेस्ट हमने बनाई है, ये डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, मिक्स कर लेंगे। लगातार चला के मीडियम टू हाई फ्लेम पे मसाले को भून लेते हैं। मसाला अच्छे से भून गया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। 1 पिंच हींग डालेंगे। ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए 1 टीस्पून बेसन डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके मसाले के साथ में थोड़ी देर के लिए इसे भी भून लेते हैं। धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट बेसन को भी साथ में भून लिया है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। दो टेबलस्पून फ्रेश दही लिया है, दही एकदम फ्रेश लेना है, खट्टा नहीं होना चाहिए। धीमी आंच पे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए दही को भी साथ में भून लेते हैं। दही को हमें लगातार चला के भूनना है। धीमी आंच पे लगातार चला के दही को भी 2 मिनट के लिए भून लिया है। गोभी का पानी हमने निचोड़ के निकाला था, उसे हमने मिक्सर जार में डाल के ले लिया है। टोमेटो प्यूरी बनाने के बाद में हमने वो पानी को मिक्सर जार में डाल के ले लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। 1 कप पानी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी में 1 उबाल आ गया है, ढक्कन लगा के धीमी आंच पे ग्रेवी को कुक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ग्रेवी को 6 से 7 मिनट कुक किया है, तेल भी सेपरेट हो गया है और ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। ग्रेवी में मैंने थोड़ा 1/2 कप पानी और मिला दिया था, उसके बाद इसे 6-7 मिनट कुक किया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ग्रेवी और कोफ्ता आप पहले से बना के रख सकते हैं, और जिस टाइम पे आपको सर्व करना है उसके 15 मिनट पहले आप कोफ्ता को ग्रेवी में डाल दीजिए, और कोफ्ता 2 से 3 मिनट ग्रेवी में कुक करके आप सर्व कर सकते हैं। ग्रेवी हमें थोड़ी पतली रखनी है क्योंकि हम अंदर कोफ्ता डालेंगे तो ग्रेवी का रसा जो है वो कोफ्ता एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके लिए हमें इसे थोड़ी पतली रखना है। कोफ्ता अंदर डाल देंगे। ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट कुक कर लेते हैं ताकि कोफ्ता जो है वो ग्रेवी एब्जॉर्ब कर ले। कोफ्ता डालने के बाद हमने 4 से 5 मिनट इसे कुक कर लिया है। हल्के हाथ से एकदम धीरे से चलाना है,
नहीं तो कोफ्ता टूट जाएगा। एक टेबलस्पून बटर डालेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया। धीरे से चला लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। आलू गोभी कोफ्ता की सब्जी रेडी है, ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। आलू गोभी कोफ्ता करी रेडी है, ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। इस सब्जी को हम रोटी पराठा और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ढक्कन लगा के इसे 2 मिनट रखेंगे और इसके बाद इसे सर्व करना है। आलू गोभी कोफ्ता करी रेडी है, ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।